ये बड़ी खबर के साथ राजधानी से ये बड़ी खबर आ रही है। एनटीपीसी की परीक्षा में धांधली को लेकर छात्रों ने जमकर बवाल काटा है। गुस्सा है छात्रों ने पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर जमकर हंगामा किया। नाराज छात्रों की भीड़ रेलवे ट्रैक पर पहुंची और साथ ही इस कारण ट्रेनों के परिचालन पर भी बुरा असर पड़ा। छात्रों के हंगामे को देखते हुए राजेंद्र नगर टर्मिनल पर भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया। आपको बता दें कि हजारों की संख्या में छात्र रेलवे ट्रैक पर चले आए। करीब 6 घंटे तक ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहा। संबंधित अधिकारी छात्रों को समझाने बुझाने के लिए भी पहुंचे, लेकिन आक्रोशित छात्र कुछ सुनने को तैयार नहीं हुए। दरअसल RRB ने NTPC CBT 1 की जो परीक्षा का परिणाम है वो जारी किया है, जिसको लेकर छात्रों का आरोप है कि परीक्षा में धांधली की गई है। 13 पदों के लिए आयोजित परीक्षा में बोर्ड की तरफ से कई पदों के लिए एक ही उम्मीदवार का चयन किया गया, जिसके चलते कई छात्र सिलेक्शन से वंचित हो गए, जिसको लेकर छात्र प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आक्रोशित छात्रों का कहना है कि रिजल्ट में जब तक सुधार नहीं होगा उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। साथ ही छात्रों को हटाने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची। आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जिसके बाद बवाल और बढ़ गया। पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए छात्रों को रेलवे ट्रैक से हटाया। साथ ही हम आपको उस दौरान की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से छात्रों ने रेलवे ट्रैक को जाम किया है। भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात की गई। पुलिस बल वहां पर पहुंचा और छात्रों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन छात्रों का आक्रोश यहां पर नजर आया। रिजल्ट में धोखाधड़ी हुआ, गड़बड़ी हुआ, इसके कारण हम लोग यहाँ पर जाम किए हैं। NTPC के विरोध में था रिजल्ट। नोटिफिकेशन 2019 में आया, एग्जाम नहीं हो रहा था। 3 साल से एग्जाम को लंबित किया गया। लड़का लोग इसके लिए ट्विटर कैंपेन किया, 10 लाख लगभग ट्वीट किया, 10 मिलियन। बवाल सिर्फ पटना के राजेंद्र नगर में ही नहीं हुआ, बल्कि आरा में छात्रों ने जमकर हंगामा किया। NTPC के CBT के परिणाम में धांधली का आरोप लगाया जा रहा है और इसी को लेकर छात्रों ने आरा जंक्शन पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। नाराज छात्र रेलवे ट्रैक पर बैठ गए। बवाल बढ़ा तो GRP और RPF की टीम मौके पर पहुंची। छात्रों को समझाने का काम भी शुरू हुआ, लेकिन छात्र सुनने के लिए तैयार नहीं हुए। रेलवे ट्रैक पर छात्रों के आने से रेलवे का परिचालन पूरी तरह से ठप हो गया। साथ ही हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। जी बिहार झारखंड पर आप सबसे पहले इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि किस तरीके से छात्रों का यहां पर प्रदर्शन प्रोटेस्ट नजर आया। उस समय कहा गया था कि एक एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल और उसके बाद मेडिकल के बाद ज्वाइनिंग दी जाएगी, लेकिन नया सरकार 1 महीने से जब कम समय है एग्जाम में, तो आज नोटिफिकेशन देती है कि 2 एग्जाम इसमें होगा, प्री और मेंस, जिसके लिए आज छात्र एक जुट होकर